मध्य प्रदेश के खरगोन में नकली घी बनाने वाले एक व्यापारी के खिलाफ डीएम गोपाल चंद्र डार ने लगाई रासुका। एक सप्ताह पहले नकली घी के लिए गए नमूने जांच में अमानक मिले। पहले भी व्यापारी के खिलाफ नकली घी बनाने के मामले में केस हो चुका है दर्ज। डीएम की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप। खरगोन में पहली बार किसी व्यापारी के खिलाफ लगाई गई रासुका। शहर के घाटी जिन स्थित हार्दिक ट्रेडर्स पर एसडीएम अभिषेक गहलोत और खाद्य एवं औषधि विभाग ने नकली घी बनाने वाले व्यापारी हार्दिक द्वारकादास महाजन के यहाँ छापामार कार्रवाई की। वनस्पति तेल और एसेंस मिलाकर घी तैयार किया जा रहा था। व्यापारी के यहाँ से 45 डिब्बों में भरा नकली मिलावटी घी पकड़ा गया, जो 675 किलो था। इसे जब्त कर नमूना भोपाल भेजा गया। 7 दिन बाद आई जांच रिपोर्ट में घी अमानक पाया गया। इस पर डीएम ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया। भोपाल भेजे थे सैंपल। सैंपल लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल को नमूने भेजे गए थे। राज्य खाद्य प्रयोगशाला से जांच के बाद अमानक नमूने पाए। नमूने अमानक पाए जाने पर कलेक्टर गोपाल चंद्र डार द्वारा शनिवार 3 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 3(2) के अंतर्गत हार्दिक पिता द्वारकादास महाजन उम्र 30 वर्ष निवासी हार्दिक ट्रेडिंग कंपनी खंडवा रोड खरगोन को आदेश से 3 माह के लिए केंद्रीय जेल बड़वानी में रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पूर्व भी हुई है कार्रवाई। हार्दिक ट्रेडिंग कंपनी पर इससे पूर्व खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 26(2)(2) एवं सहपठित धारा 51 एवं खाद्य सुरक्षा मानक विक्रय प्रतिशेष एवं निवाधन अधिनियम 2011 की धारा 2315(1)(ख) के तहत मूंगफली एवं तेल का खुले रूप में विक्रय किए जाने पर 25 सितंबर 2013 को अर्थदंड से दंडित किया गया था। इसके बाद 27 जुलाई को एसडीएम द्वारा की गई कार्रवाई पर अब रासुका के तहत कार्रवाई की गई। राजस्व खाद्य एवं औषधि तथा पुलिस द्वारा की गई 27 जुलाई की कार्रवाई में हार्दिक ट्रेडर्स कंपनी से 675 किलो नकली घी बरामद किया गया था। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हाँ, ये सही है। 27 तारीख को हमें मैसेज मिला था कि किसी जगह पर देसी घी के नाम से नकली घी बनाया जा रहा है। हमने उस पर छापामार कार्रवाई कराई। वहाँ लगभग 750 किलो घी पाया गया, जो वास्तव में नकली से देसी घी बनाया जा रहा था। उसको लेबोरेटरी में भेजा गया, भोपाल लेबोरेटरी में। आज उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें वो अमानक श्रेणी का पाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको 3 महीने के लिए सेंट्रल जेल बड़वानी में निरुद्ध किया है। हाँ, हो सकता है इससे पहले भी इसी व्यक्ति पर एक फाइन किया जा चुका है, लेकिन ये सुधरा नहीं है। अब फाइनली उसको एनएसए के तहत बुक किया गया है। फूड के मामले में सर प्रदेश का पहला मामला है जो रासुका नहीं, ये मेरे निगाह में ये शायद तीसरा मामला। पहले उज्जैन और ग्वालियर में हो चुका है इसी टाइप का, एक रासुका लगाए जा चुके हैं और खरगोन में अब लगाई गई है। जिले में और भी सैंपल ले गए और भेज दिए गए, वो फेल हो गए तो उन पर भी इस तरह से कार्रवाई होगी क्या? इस पर मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि क्या कैबिनेट उसकी लेबोरेटरी की रिपोर्ट आती है। लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है। लेबोरेटरी के नियम यदि अमानक श्रेणी की आती है तो तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। यदि अनसेफ फॉर हेल्थ आती है तो तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। अभी इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। मिलावट को रोकने सर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मेरा सभी से अपील है, आप लोगों से भी, कि मिलावटखोर और जो गलत सामग्री बेच रहे हैं उनके बारे में आप लोग हमें सूचना दीजिए, हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। वो समाज में नहीं रह सकते, समाज में रहने का उन्हें अधिकार नहीं है। उनके खिलाफ उनको जेल देखनी होगी या यहाँ से जिला छोड़ना होगा। मुझे पता लगा है कि यूपी, गुजरात और कुछ अन्य प्रदेश के व्यक्ति वहीं के आदमियों को लाकर कार्रवाई यहाँ नकली कार्य कर रहे हैं, जिस पर 1-2 छापामारी कार्रवाई की जा चुकी है और हम सतत कार्रवाई करेंगे। सर मामले को लेकर भी सब तक रिपोर्ट आई, जिस तरह सेना में मावा पकड़ा गया था जो बॉम्बे बड़े लेवल। अभी हमें वो रिपोर्ट का पता नहीं, हमने सैंपल भेज दिया, हम फॉलोअप कर रहे हैं, जैसे रिपोर्ट आती है उस पर कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।